सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। के जो रूल्स है उसके मुताबिक कोई भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी हो, पार्लियामेंट की ज्वाइंट वर्किंग कमेटी हो, उसके जो डिलीबरेशन होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उसको हम आवाम के सामने नहीं रख सकते। तो उस बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा। अब जहां तक वक्फ बिल के बारे में आपको कोई सवाल है तो बोलिए। सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपोगंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर वन। दूसरा, एक झूठा प्रोपोगंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है। 9,40,000 है कितने? 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10,00,000 एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड। भाई आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा, इन चारों को आप मिला लीजिए 10,00,000 एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है 5 साल जो मुसलमान रहेगा उसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा वही वक्फ करेगा। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है? क्या वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला होगा? क्या वो दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी? क्या वो रातों में जाके मस्जिद में इबादत करेगा? क्या वो कुरान का हाफिज होगा? क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी? ये तुम कौन होते तय करने वाले? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना, ये देख लो आप। अच्छा, कोई ऐसा लॉ हिंदू धर्म में नहीं है, कोई भी कभी भी दान दे सकता है। आप ये क्यों लेकर आए बताओ? आप कौन होते? मैं प्रैक्टिसिंग हूं नहीं, मैं मुसलमान हूं। मेरे घर में झांक के देखेंगे नरेंद्र मोदी, या फिर 5 साल के बाद मोदी बोलेंगे आओ बेटा तुम मुसलमान सर्टिफिकेट लेकर जाओ। हाँ, तीसरा आप उसमें देख लो, तीसरा क्या है उसमें लेकर आए? अभी कानून क्या है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को चोरी से बेचता है उसको 2 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। अभी मोदी जी के दिमाग में ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि तू वक्फ बोर्ड की जायदाद को बेच दे, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? कि तेरे को 2 साल नहीं, सिंपल इंप्रिजनमेंट, तेरे को बेलेबल हो जाएगा। तो वक्फ के मफाद में क्या हो रहा है? ट्राइब्यूनल है वक्फ का ट्राइब्यूनल, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज सीजे अपॉइंट करते हैं हाईकोर्ट के, एक इस्लामिक नॉलेज का जानकार और एक एमिनेंट पर्सन। अब आप क्या करते? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसे होगा? फिर अगर आपकी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, मैं जाके कंप्लेन करता हूं कि ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर विल ऑर्डर एन इंक्वायरी। अच्छा, पेंडिंग इंक्वायरी और प्रॉपर्टी विल नॉट बी वक्फ, एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी। कहा कि ये जेपीसी नहीं है, ये ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ है। ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो भी होता है
जो भी निर्णय होगा वो हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, वो हम पार्लियामेंट रूल्स प्रोहिबिट करते, वो अंदर जो भी होगा वो चेयरमैन साहब और मेंबर डिसाइड करेंगे, वो लिखे हैं तो एक बात। इम्तियाज जलील साहब ने लिखकर एक प्रस्ताव भिजाया है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष को और एनसीपी के अध्यक्ष को, उन्होंने लिखकर भिजाया है, मैं इतना ही कहूंगा। अब वो उनको डिसाइड करना, इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, जो इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े बड़े अध्यक्ष को लेटर लिखा कि आप आइए इसमें, आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई, इतने एमएलए मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार है। ये तो नामू से रिसालत का मसला है ना, ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देख रहा, जनता देख रही है इन लोगों को, आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को, जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो। रईस लश्करिया साहब के विधानसभा में आज हमारी जनसभा है, हमने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, इम्तियाज जलील का नाम डिक्लेयर कर दिया, हमारे जो एम एल एस है मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह धूलिया से, फिर सोलापुर से हमने फारूक का नाम डिक्लेयर किया, और भी नाम डिक्लेयर करना है हमको, और वो नाम डिक्लेयर करेंगे भी हम। नहीं नहीं, एक मिनट, वो नहीं पूछे ना, वो पूछे आने वाले इलेक्शन में कितनी सीट से पार्टिसिपेट करेगी, और आपका प्रोटोकॉल बोलता है कि वो कोई टेस्ट लीजिए या तो फिर सीट लीजिए, हम भैया खान के साथ में आपने बोला किया किसका और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है विधान के तौर पे, हमारी पठान को लेकर जो है आपके खुद से मुंबई में नाराजगियां बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ 15 दिन के पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नादेमाल पास का इस्तेमाल किया गया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है। एक मिनट, अच्छा तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? ए भाई, अरे 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 तुम बोले तो दो ना, क्या तुम आके बैठी हो तो मैं उतर आता हूँ, आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है? है ना, हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है, घर है अपना। अरे भाई बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत कर। नहीं नहीं ना ना नहीं, एक मिनट एक मिनट, अब मुंबई में कई मरतबा आता हूँ, कई मरतबा अपने कार्यकर्ता से मिलता हूँ, आप लोगों से बच के निकल जाता हूँ, इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, आते हैं, मिल रहे हैं, काम हो रहा है, यकीनन इस बात का मैं इकरार कर रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, हम इंप्रूवमेंट करेंगे और अच्छा करेंगे, मगर ये बोलना कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे साहब एक सवाल ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इजाफा हुआ है, आपकी क्यों जल रही? हुआ है तो हुआ है, बीजेपी के नेताओं में इजाफा हुआ है, बहुत सौ का इजाफा हुआ है भाई। आज जो प्रॉपर्टी 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी।
नहीं अच्छा आपको शेयर नहीं मिला क्या बोली बुलाएंगे आप चलिए अभी 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 हेलो हेलो यह हबीबी बोलकर आए हैं हाथ मिला है महमूद अब्बास से मोदी जी आपने नहीं देखा फोटो मिले हैं ना और इंडिया शुरू से पैलेस्टाइन की ताईद में खड़ा है अब नहीं मालूम क्या तकलीफ है नहीं क्या तकलीफ है मेरे को नहीं मालूम हम तो भारत शुरू से चाहे महात्मा गांधी से हो पंडित नेहरू हो जितने बड़े प्राइम मिनिस्टर थे खुद हमारी मोदी के ये सरकार ने फलस्तीनियों के लिए एड भी जाया है वो बोलते हैं कि हम टू स्टेट का फाइल भी है मैं हूँ इंडिया जलील नहीं है मेरा डिसीजन है मैं डिसीजन पार्टी लिया है नहीं इम्तियाज जलील आप इम्तियाज जलील बोले हैं मगर मामला मेरे पे खत्म होता है ना मैं बोला मैं रईस अश्कर को बनाऊ इम्तियाज जलील का अख्तियार है जैसा इम्तियाज जलील प्रोटेस्ट किए इम्तियाज जलील के प्रोटेस्ट में मेरे को बुलाया मेला मैं नहीं आऊंगा तुम आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है आप लीड करो और इम्तियाज जलील ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को महाराष्ट्र की जनता को यह पैगाम दिया है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है और जो महाराष्ट्र के सेकुलर लोगों में जो तकलीफ थी कि इतना गलत बयान आने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वो प्रोटेस्ट हुआ और आज इम्तियाज जलील बता दिया है कि जितने बड़े बड़े दूसरे समाज के नेता है ओबीसी समाज के हो मराठा समाज के हो अब कोई ये ना समझे कि खाली वही जनता को ला सकते आज इम्तियाज जलील ये बता दिया कि इम्तियाज जलील भी चाहेगा तो मुंबई में लाखों लोगों को जमा कर सकता है ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है।